नमस्कार, मैं हूं शिवराज सिंह और बन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में अब कुछ ही दिन का वक्त शेष है और पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। इससे पहले शुक्रवार को रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो बाइडन के बीच आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट हो रही है। दोनों नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। बहस के दौरान जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कुछ ही हफ्तों में वैक्सीन आ जाएगी, वहीं बाइडन ने दावा किया कि ट्रंप के पास कोविड-19 से लड़ने का कोई प्लान नहीं है। बाइडन ने कहा कि कोविड-19 से हुई मौतों के लिए जिम्मेदार शख्स को राष्ट्रपति नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि हर कोई मास्क पहने और रैपिड टेस्टिंग की जाए। वहीं जो बाइडन ने ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि एक बड़े जनरल ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बर्ताव को पूरी तरह से भयावह बताया है। इस पर पलटवार करते हुए ट्रंप ने कहा कि अब तक हमने जो कुछ भी किया है उसके लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने धन्यवाद दिया है। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के बीच नॉर्थ कोरिया को लेकर भी तीखी बहस हुई। ट्रंप ने कहा कि हम नॉर्थ कोरिया के साथ युद्ध जैसी स्थिति में नहीं है, हमारा उनके साथ अच्छा संबंध है। इस पर बाइडन ने पलटवार करते हुए कहा कि हिटलर के यूरोप पर हमला करने से पहले भी हमारा उनके साथ अच्छा संबंध था। बता दें कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के बीच 15 अक्टूबर को होने वाली दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट रद्द हो गई थी। पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके चलते इस डिबेट को रद्द किया गया था। बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों के बीच अंतिम बहस से पहले बहस संचालित करने वाले आयोग CPD ने नए नियम तय किए हैं। इसके तहत प्रतिद्वंदी वक्ताओं के माइक्रोफोन 2 मिनट के लिए बंद कर दिए जाएंगे ताकि अपना पक्ष रखने जा रहा उम्मीदवार अपनी बात की शुरुआत निर्बाध तरीके से कर सके। इस डिबेट के लिए ट्रंप, बाइडन और वेलकर के अलावा सिर्फ 200 लोगों को इजाजत दी गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए बन इंडिया हिंदी के साथ।